मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी है। ये अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में राज्य के 20 लाख से ज्यादा किसानों को 17,544 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। और दिलीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी लगभग, अभी जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया था वो पूरा हुआ? जी वर्षा, जिस तरह से सरकार ने इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी करीब 20-25 दिन बाकी है धान खरीदियों को लेकर, और अब तक की स्थितियां जो है उसमें 84,66,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, और जो 25 लाख से अधिक किसान पंजीकृत है धान बेचने के लिए, उनमें से 20 लाख से अधिक किसानों ने अब तक धान बेच लिया है। तो जिस तरह से लक्ष्य जो तय किया गया है, लगता है कि आने वाले समय में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और जिस रफ्तार से धान खरीदी हुई है, खास करके इस बार विशेष बात यह रही वर्षा, क्योंकि 15 नवम्बर से ही धान खरीदी की 1 नवम्बर से ही धान खरीदी की शुरुआत हो गई थी, इसलिए किसानों को काफी राहत हुई। और सरकारी तौर पर भी जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बारदाने की व्यवस्था करें या फिर सहकारी केंद्रों में, धान उपार्जन केंद्रों में जो धान खरीदी की जा रही है, वहां की व्यवस्थाओं की बात करें, पूरे प्रदेश भर में 2600 से अधिक उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर धान की खरीदी की जा रही है। इस व्यवस्था के चलते ही इस बार ज्यादा शिकायतें नहीं आई हैं। पिछले बार हमने देखा था कि खास करके बारदाने की समस्या काफी हुई थी, इस बार सरकार ने पहले ही किसानों को कह दिया और राइस मिलर्स को भी हिदायत दे दी और सहकारी समितियों की कि आधे से ज्यादा जो धान है वो पुराने बारदानों पर ही खरीदी की जाएगी, और इसलिए इस बार बारदाने का संकट नहीं हुआ और नए बारदाने समय समय पर केंद्र की ओर से मिलता रहा। इसलिए ये जो स्थितियां हैं पिछली बार की तरह नहीं हुई और इस बार काफी सुचारू रूप से धान खरीदी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं कि वहां से बाहर से धान ना आए और दूसरे राज्यों के धान यहां ना खपाया जाए, ताकि यहां की किसानों का जो धान है व्यवस्थित तरीके से खरीदी हो सके समर्थन मूल्य पर। हालांकि किसानों का ये मांग भी है कि इस बार क्योंकि बम्पर उत्पादन हुआ है, धान खरीदी का जो आंकड़ा है प्रति एकड़ जो 15 क्विंटल खरीदी की जाती है उसमें बढ़ोतरी की मांग लगातार किसान करते रहे। और हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकेत भी दिया है, अगर केंद्र सरकार हमें अनुमति दे और केंद्र सरकार हमारा ज्यादा से ज्यादा चावल खरीदे, इसके अलावा एथेनॉल प्लांट बनाने की अगर छूट दे दे, तो हम ज्यादा किसानों की धान खरीदी कर सकेंगे और जो जितनी मात्रा में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा मात्रा में धान खरीदी सरकार कर पाएगी। लेकिन अभी क्योंकि एक सीमाएं हैं, सरकार के पास भी रखने की व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि FCI के गोदामों में ही चावल वापस जमा की जाती है और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इसमें और अधिक मात्रा में धान खरीदी की जाएगी। तो इस तरह से इस बार की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी है। जी बिल्कुल, रहिएगा दिलीप।